नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं जो मैच कवर करने जा रहा हूँ वो है ECS T10 वीना का पहला मुकाबला, जो कि खेला जाने वाला है टीम PKC वर्सेस टीम BAA के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों टीम्स के ओपनर्स, दोनों टीम्स के डेथ ओवर बॉलर्स, दोनों टीम के जैकपॉट प्लेयर और बहुत ही कमाल का बेस्ट हेड टू हेड कॉम्बिनेशन और GL कॉम्बिनेशन वीडियो के अंदर बताऊंगा। और इसमें से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं वो सारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो इसीलिए अगर आप लोग इस मैच में विन करना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करेगा और बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करेगा। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होती है लाइनअप के बाद, टॉस के बाद, या जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी, जिस टीम से मैं खुद कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, वो टीम अगर आपको चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। 3000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ चुके हैं, रोजाना फ्री टीम्स का प्रॉफिट यहां पर उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट में जो सबसे पहला लिंक होगा, यानी जो सबसे नंबर फर्स्ट पे कमेंट होगा, वहां पर एक लिंक होगा जो कि मेरे चैनल का होगा, जिस पर क्लिक करते सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको 3000 से ज्यादा बंदे देखने को मिलेंगे। आपको सिंपल वही चैनल ज्वाइन कर लेना है और बाकी मेंबर्स की तरह आप लोग भी फ्री टीम का बेनिफिट उठा पाएंगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में मैं अपने चैनल का नेम भी दे दूंगा, जिसको आप लोग सर्च करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो, पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, पहली बार हमारे चैनल की वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पास में जो घंटा है उसको जरूर दबा देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो जरूर ये काम कर लीजिएगा। बाकी वीडियो के अंदर मैंने 400 रुपये का फ्री पेटीएम गिवे रखा है, जो कि किसी एक बंदे को मिल सकता है, तो इसलिए गिवे में जरूर पार्टिसिपेट करेगा। गिवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर देना है, तो वो क्वेश्चन ये आपको ये बताना है कि इस वाले मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट दोनों टीम की ओर से कौन करेगा फैंटसी पॉइंट। आपको उस प्लेयर का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना है। आप लोग जो भी कमेंट करें वो मैच स्टार्ट होने से पहले कर दें, अपने कमेंट को एडिट मत करिएगा और अपने एक आईडी से एक से ज्यादा कमेंट भी मत करिएगा। जो भी मैच के बाद विनर होगा उसकी अनाउंसमेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कर दूंगा, तो इसीलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आपको विनर का नेम जानना है, अगर आपको फाइनल टीम चाहिए, तो लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। बात करते हैं वेदर रिपोर्ट क्या रहेगी, तो देखिए यहाँ पर जो वेदर रहने वाला है वो रहने वाला है ठीक ठाक। 47% चांसेस हैं यहाँ पर प्रिसिपिटेशन के, तो यानी रेन के चांसेस यहाँ पर कम है, तो आप लोग इस मैच में चाहें तो अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करूँ अगर पिच रिपोर्ट की, तो ये मैच होने वाला है सीबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि बैटिंग फ्रेंडली माना जाता है, जहाँ पर बैट्समैन बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं पहली इनिंग में, तो यानी जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग करना ही पसंद करेगी। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर 129 का है। बाकी अगर बात की जाए जो भी टीम चेस करती है वो 40% उसके जीतने के चांसेस रहते हैं। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान सीसी के प्लेइंग 11 की, तो देखिए जिशन आरिफ, आमिर नईम, नवीद हसन, उमेर तारिक, सिकंदर हयात, सावेज ख्वाजा, आदिल इकबाल, अदल अफजल, आदिल तारिक, सिकंदर इकबाल, बशीत इकबाल खेलते हुए नजर आएंगे। अब मैं आपको इन दोनों इनके प्लेयर्स के स्टैट्स भी बता देता हूँ। जिशन आरिफ की मैं बात करूँ तो 142 रन इनके नाम, शाहिद खलील 37 रन, आदिल इकबाल इंपॉर्टेंट प्लेयर है 134 रन 5 विकेट, शिनवारी 138 रन, अमीर नईम 52 रन 1 विकेट, मिर्जा एहसन 87 रन 1 विकेट, अदल अफजल 19 रन 2 विकेट, आदिल तारिक 73 रन, अरसलन अली 63 रन, सिकंदर हयात 19 रन 11 विकेट, नवीद हसन 83 रन 4 विकेट। आमिर नईम करेंगे विकेट कीपिंग, जिशन आरिफ और शिनवारी इस टीम के रहने वाले मेन बैट्समैन, आदिल इकबाल हसन इस टीम के मेन ऑलराउंडर्स और सिकंदर हयात अपनी टीम का मेन बॉलर रहने वाला है। अब मैं बात करता हूँ बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 की, तो उनकी ओर से आपको जायद शाहिद, तौकीर आशिफ, सारिफ खान, राकिब इस्लाम, शमी महमूद, शहदन खान, फिरोज है, नशीर अहमद, राहत शाहिद, नजरुल जमान, अबू बकर सिद्दीकी खेलते हुए नजर आएंगे। तो उनकी ओर से देखिए नसीर अहमद 153 रन 2 विकेट है इसके नाम, शारिफ खान के नाम 120 रन, इकबाल हुसैन 59 रन, गुरवेसन सिंह 221 रन 5 विकेट, शहदत खान 125 रन 8 विकेट, महसूद रहमान 73 रन 19 विकेट, अलीन कलाम 14 रन, तो कीर आसिफ 40 रन 1 विकेट, गिल सिंह इंपॉर्टेंट प्लेयर है 25 रन 20 विकेट, हसन अशफाक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ओपन करेगा और साथ में बॉलिंग कराएगा 291 रन 6 विकेट, राकिब इस्लाम 57 रन 3 विकेट। तो देखिए
शारिफ खान विकेट कीपिंग करेंगे, नसीर अहमद, इकबाल हुसैन ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं, अशफाक गुरु वेसन सिंह मेन ऑलराउंडर्स हैं, राकिब इस्लाम गिल सिंह मेन बॉलर्स हैं। अगर बात की जाए इनके टॉप पिक्स की तो देखिए आदिल इकबाल क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग कराता है और अपनी टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर की भूमिका निभाता है। नवीर सादिक हसन एक राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम पेसर है अपनी टीम के लिए और इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला। इकबाल हुसैन राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग कराता है अपनी टीम के लिए। हसन अशफाक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, राइट आर्म ब्रेक बॉलिंग और राइट हैंड बैटिंग कराता है। अगर मैं बात करूँ जीशान आरिफ की तो 142 रन है 10 मैचेस में, अभी जो इनका वीना हुआ था लास्ट सीजन, सिकंदर रियाल लीडिंग विकेट टेकर रह चुका है लास्ट सीजन का, 9 मैचेस में 11 विकेट्स थे इसके नाम। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बनाएं तो कैप्टन है आदिल इकबाल, इकबाल हुसैन, वाइस कैप्टन हसन अशफाक, नाविज सादिक हसन। मेन प्लेयर की मैं बात करूं तो आदिल इकबाल सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। आलिन कलाम शारिफ खान पंट पिक्स रहेंगे जीएल के लिए। बाकी मैं बात करूं विनर्स की तो पाकिस्तान से एक स्ट्रांग टीम है और इसी के जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको वीडियो के अंदर दी गई सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी होगी और आपको वीडियो भी काफी पसंद आई होगी। तो इसीलिए आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटा जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो जरूर ये काम कर लीजिएगा। बाकी जो भी मेरी फाइनल टीम होगी, जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी वो मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो जरूर जाके ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल। 3000 से ज्यादा मेंबर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और रोजाना फ्री टीम का प्रॉफिट यहाँ से उठा रहे हैं। तो आप लोग भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट होगा वो हमारे चैनल का होगा, जिस पर क्लिक करते सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको 3000 से ज्यादा लोग देखने को मिलेंगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में ही आपको चैनल का नेम मिल जाएगा, जिसको सर्च करके भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा सकते हैं। बाकी गिवे में जरूर पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि कोई भी लकी बंदा 400 रुपीज फ्री में जीत सकता है। तो दोस्तों मैं चलता हूं ड्रीम 11 की और आपको कमाल की कॉम्बिनेशन क्रिएट करके दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों यहां पर दो पिक है आपके सामने विकेट कीपिंग में, पहली पिक है यहां पर आमिर नईम, दूसरी पिक है यहां पर एस खान की इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तीसरी पिक है यहां पर नसीर अहमद की और चौथी पिक है यहां पर अरसलन आरिफ की। तो देखिए यहाँ पर ए नहीं, मुझे इतना कुछ खास इनका स्टैट्स लगा नहीं है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे जितने कि यहाँ पर एस खान रहने वाले हैं, शहदत खान। तो यहाँ पर मैं शहदत खान को अपनी टीम में पिक करने वाला हूँ, नेम को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। परसेंटेज के ऊपर आप जाएंगे तो 80% लोग पिक किए हैं, लेकिन मुझे परसेंटेज के ऊपर नहीं जाना है, मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन और अपने स्टैट्स के ऊपर जाना है। बैटिंग सेक्शन में बात करूँ तो आरिफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों के स्टेट्स काफ़ी अच्छे हैं इनके। बाकी आयुष सेन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है, उसके अलावा नीचे एस खलील हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी नीचे देखा जाए तो और कोई प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं है आर इस्लाम को छोड़कर। ये एक आपके लिए जीएल का एक अच्छा पिक रह सकता है अगर प्ले करता है तो, अगर नहीं प्ले करेगा तो आप लोग इसको ड्रॉप करिएगा अपनी टीम से। बाकी जो भी भाई जीएल प्ले करें इस प्लेयर को अपनी टीम में जरूर डाल दीजिएगा। तो तीन मैंने यहाँ पर प्लेयर्स पिक कर लिए हैं, आरिफ हुसैन खलील। अब मैं बात करता हूँ लाउड सेक्शन की तो एन सादिक हसन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अशफाक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ओपनिंग करेगा इसका एक मैच में आपको बता देता हूँ, एक मैच में इसने 48 रन प्लस 4 विकेट निकाले थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये, 200-300 पॉइंट करके दे सकता है एक मैच में। बाकी एक बाल मैंने बता दिया कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं अपनी टीम के लिए। बाकी नीचे पिक आती है गिल सिंह की, परसेंटेज सिलेक्शन देखिए 2% लोगों ने लिया है और ये डेथ ओवर में बॉलिंग कराता है प्लेयर, इसके नाम 20 विकेट हैं, तो इसको हम अपनी टीम में पिक करेंगे। तो टोटल मैंने पिक किए हैं 4 ऑलराउंडर्स, जहां पर मेरा एक पंट प्लेयर जो है वो गिल सिंह साबित हो सकता है। हालांकि इसका परसेंटेज बढ़ सकता है बाद में, वीडियो को वॉच करने के बाद लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये खेलेगा तो पंट प्लेयर हमारा है ये आज का। बॉलिंग की मैं बात करूं तो आर इस्लाम हयात, बाकी यहाँ पर जी सिंह एक और हैं जो कि गुरु सेवन सिंह है, ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अफजल की पिक है, शाहिद की पिक है, कामरान की पिक है, अशफाक की पिक है, तो यहाँ पर हम अफजल के साथ जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की जो मैंने टीम है वो क्रिएट की है, 6 प्लेयर्स मैंने लिए हैं पीकेसी के, 5 प्लेयर लिए मैंने बीएए के, ज़्यादा चांसेस हैं पीकेसी ये वाला मुकाबला जीतेगी क्योंकि इनके लास्ट सीजन का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा था जबकि बीए का लास्ट सीजन का रिकॉर्ड काफ़ी बेकार रहा था। अगर मैं बात करूँ कॉम्बिनेशन की तो 1 विकेट कीपर लिया है, 3 बैट्समैन ट्राई किए हैं, 4 ऑलराउंडर्स को पिक किया और 3 बॉलर्स को पिक किया है। बात करते हैं टीम प्रीव्यू की, उसके बाद मैं बात करूँगा कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो विकेट कीपिंग में मैंने यहाँ पे शहदत खान को लिया, आप चाहें तो यहाँ पर 2 विकेट कीपर ले सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में मैंने आयुष हुसैन को लिया है, आरिफ को ट्राई किया और यहाँ पर मैं एस खलील के साथ गया हूँ।
ऑलराउंडर सेक्शन में अशफाक बैटिंग बॉलिंग दोनों कराते हैं, शादिक हसन इंपॉर्टेंट है, इकबाल भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर गिल सिंह हमारा एक पंट प्लेयर निकल के आ सकता है अगर अच्छा परफॉर्म करता है टूर्नामेंट में। तो बाकी बॉलिंग सेक्शन में आर इस्लाम की पिक इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, एस सेहत विकेट टेकर है लास्ट सीजन का, और यहाँ पर मैंने एस इकबाल को अपनी टीम में ट्राई किया है। बात करूं कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बनाए, तो देखिए यहाँ पर अशफाक को यहाँ पर बहुत ही कम लोगों ने कह सकते हैं कैप्टन, तो काफी कम लोगों ने बनाया, पर वाइस कैप्टन ज्यादा लोगों ने बनाया। तो ये देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन के यही दो प्लेयर्स जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस वाले मैच के लिए, इनके अलावा और कोई आप कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाएगा किसी को भी, इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो यही कहते हैं कि इन दोनों से अच्छा कैप्टन वाइस कैप्टन कोई नहीं रहेगा, बाकी D10 है कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो अभी के लिए चलिए कैप्टन अशफाक को रखता हूँ, वाइस कैप्टन में यहाँ पर इकबाल को रखता हूँ, थोड़ा सा मैं रिस्की गया हूँ लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर अशफाक ओपनिंग करता है लास्ट सीजन की, इसका मैंने रिकॉर्ड देखा तो मुझे काफी शानदार लगा, 48 रन फिर से मैं बता रहा हूँ, 4 विकेट एक ही मैच में इसने ये काम किए थे। बाकी इकबाल भी बड़ा कारनामा कर सकते हैं तो ट्राई करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मेरी यही सेम टीम रहेगी। तो एक बार आप लोग इस टीम का कॉम्बिनेशन देख लें, प्रीव्यू देख लें, जहां पर भी आप लोग प्ले कर रहे हो वहां पर जाकर आप लोग इस टीम के साथ जा सकते हैं, बाकी कोई चेंजेस होंगे तो मैं आपको बता दूंगा लाइनअप या टॉस के बाद, जो भी कोई चेंजेस होता है या फिर जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जो मैं आपको लाइनअप या टॉस के बाद ही प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर अभी करेंटली 3000 से ज्यादा मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं, रोजाना फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो उसका लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में जाना, कमेंट सेक्शन में जो सबसे टॉप पर कमेंट होगा, जो पिन किया गया कमेंट होगा, वो मेरे चैनल का लिंक होगा, जिस पर क्लिक करते हैं सीधा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको 3000 से ज्यादा मेंबर्स देखने को मिलेंगे और आप लोग बाकी मेंबर्स की तरह ही यहां पर फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा पाएंगे। बाकी अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में ही आपको चैनल का नेम मिल जाएगा, जिसको सर्च करके भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटा जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो जरूर ये काम कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जहां भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जितने भी मैचेस हैं जहां पर भी आप इन्वेस्ट करें ऑलवेज विन करें हमारे टीम मैनेजमेंट से, हमारे टीम कॉम्बिनेशन से। तो मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।